नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर कल अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर करेंगे। गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल कल नई दिल्ली में होगी। प्रधानमंत्री ने पुलिस को अधिक संवेदनशील बनाने और नई तकनीकों का प्रशिक्षण देने का सुझाव दिया। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के अंतर्गत सिंगरौली में 25,000 से अधिक परिवारों को निःशुल्क भूखंड दिए गए। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में थाईलैंड के कुनलावुत विदिसन ने पुरुष सिंगल्स और कोरिया की आन सियोंग ने महिला सिंगल्स का खिताब जीता। और हॉकी विश्व कप में भुवनेश्वर में मलेशिया को 4-2 से हराकर स्पेन क्वार्टर फाइनल में, भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच जारी। समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर कल पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर करेंगे। प्रधानमंत्री सवेरे 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे बड़े द्वीप का नामकरण पहले परमवीर चक्र विजेता के नाम पर किया जाएगा। इसी प्रकार आकार की दृष्टि से अन्य द्वीपों का नामकरण किया जाएगा। इसमें मेजर सोमनाथ शर्मा, नायक जदुनाथ सिंह, कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, लांस नायक अल्बर्ट इक्का, मेजर रामास्वामी परमेश्वरन, कैप्टन विक्रम बत्रा और लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे शामिल हैं। ये नामकरण राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले नायकों को श्रद्धांजलि के तौर पर किया जा रहा है। श्री मोदी नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप पर बनाए जाने वाले नेताजी राष्ट्रीय स्मारक के प्रतिरूप का भी उद्घाटन करेंगे। 2018 में श्री मोदी ने रास द्वीप का नामकरण नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के रूप में किया था। समाचार कक्ष से शशांक कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जनवरी को इन पुरस्कार विजेताओं से बातचीत करेंगे। ये पुरस्कार पांच वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों को 6 श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इन श्रेणियों में कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, शिक्षा, समाज सेवा तथा खेल शामिल हैं। प्रत्येक विजेता को पदक, 1,00,000 रूपये और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। समारोह में मिस्र की एक सैन्य टुकड़ी भी भाग लेगी। श्री अल सीसी 24 जनवरी को नई दिल्ली पहुंचेंगे और 25 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता करेंगे। मिस्र के राष्ट्रपति पहली बार गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल कल नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर होगी। दिल्ली पुलिस ने परेड के सुचारू संचालन के लिए व्यापक यातायात व्यवस्था की है। एक रिपोर्ट। रिहर्सल परेड सुबह 10:30 बजे विजय चौक से शुरू होकर लाल किले तक जाएगी। दिल्ली पुलिस ने यातायात परामर्श में कहा है कि परेड खत्म होने तक कर्तव्य पथ पर विजय चौक से इंडिया गेट तक किसी भी तरह का आवागमन नहीं होगा। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे, लेकिन केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन पर सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रवेश और निकासी की अनुमति नहीं होगी। समाचार कक्ष से शिव प्रकाश मिश्र। गणतंत्र दिवस परेड में 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की 23 और केंद्रीय मंत्रालयों तथा विभागों की 6 झांकियां प्रदर्शित की जाएंगी। रक्षा मंत्रालय में जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि इस वर्ष की झांकियों में से अधिकतर का विषय नारी शक्ति है। इस वर्ष परेड में नौसेना और वायुसेना के सैन्य दस्ते का नेतृत्व महिला अधिकारी करेंगी। वायुसेना का नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी और नौसेना के दस्ते का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत करेंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। मैं हूँ टैक्स परी, बताने जा रही हूँ आपको बात खरी। अगर आपने अपना पैन आधार से लिंक नहीं कराया है तो पैन हो जाएगा इनऑपरेटिव, जिससे हो जाएगी मुसीबत बड़ी। रिटर्न्स फाइल नहीं कर पाएंगे, रिफंड इश्यू नहीं हो पाएंगे, अधिक दर पर टैक्स डिडक्ट किया जाएगा।
अब भी मौका है। 1000 की लेट फीस अदा कर 31 मार्च 2023 तक अपना पैन और आधार लिंक करा सकते हैं। आज ही incometax.gov.in पर जाएं, क्विक लिंक्स में लिंक आधार पर क्लिक करें, प्रोसेस फॉलो करें, लेट फी पे कर पैन को आधार से लिंक करें। ये लिंक है अनिवार्य, देश और आपकी समृद्धि के लिए, प्रगति के लिए। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस को और अधिक संवेदनशील बनाने और उभरती प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षित करने की सलाह दी है। श्री मोदी ने विभिन्न एजेंसियों के बीच जानकारी साझा करने के लिए राष्ट्रीय डेटा कन्वर्जन फ्रेमवर्क पर बल दिया। प्रधानमंत्री 3 दिन के 57वें अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन में अंतिम 2 दिन शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हमें बायोमेट्रिक जैसी प्रौद्योगिकियों को अपनाना चाहिए और पैदल गश्त जैसी परंपरागत पुलिस प्रणाली को भी मजबूत करना चाहिए। उन्होंने व्यर्थ हो चुके अपराधी कानूनों को समाप्त करने और सभी राज्यों के पुलिस संगठनों में मानक बनाने को कहा। प्रधानमंत्री ने जेल प्रबंधन में सुधार का भी सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने दक्षताएं बढ़ाने और अनुभव साझा करने के लिए राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन की तरह राज्य और जिला स्तर पर भी पुलिस अधिकारियों का सम्मेलन करने का सुझाव दिया। सम्मेलन के अंत में प्रधानमंत्री ने विशिष्ट सेवाओं के लिए पुलिस पदक प्रदान किए। 3 दिन के सम्मेलन में पुलिस प्रणाली, राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकरोधी और उग्रवाद रोधी रणनीति तथा साइबर सुरक्षा पर विचार विमर्श किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज मध्य प्रदेश के सिंगरौली में मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के अंतर्गत भूखंड के निशुल्क पट्टे वितरित किए। उन्होंने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लाभार्थियों को भी सहयोग राशि प्रदान की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस अवसर पर उपस्थित थे। कार्यक्रम में सिंगरौली जिले में 25,412 परिवारों को निःशुल्क भूखंड दिए गए। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत रीवा मंडल के करीब 6,78,000 लोगों के खातों में 135 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की गई। रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री ने 248 करोड़ रुपए की लागत से राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय भवन और 60 करोड़ रुपए की लागत वाले खनन प्रौद्योगिकी संस्थान की आधारशिला भी रखी। रक्षा मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश के विद्यार्थी देश भर में अपनी सेवाएं देकर देश को आगे बढ़ाएंगे। आपके सिंगरौली के शासकीय माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज के जो छात्र निकलेंगे वह केवल सिंगरौली के माइनिंग में काम नहीं करेंगे बल्कि सारे हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में जाकर अपनी भूमिका निभाएंगे। लगभग 27,000 से अधिक परिवारों को आज शिवराज जी ने भूमि आवंटित किया। यदि यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज जी की गरीबों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता न होती तो मैं समझता हूँ कि यह पुनीत कार्य वह किसी भी सूरत में न करते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कहती है उसे करके दिखाती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय सेना दुनिया भर में अपनी वीरता और अनुशासन के लिए जानी जाती है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वैश्विक अर्थशास्त्रियों के अनुसार 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और 2047 तक भारत दुनिया का सबसे अमीर देश होगा। श्री सिंह ने कहा कि पहले भारत दुनिया के दूसरे देशों से हथियार, गोला बारूद और टैंक का आयात करता था लेकिन अब रक्षा साजो सामान देश में ही बनाने का निर्णय लिया है। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और पार्टी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया है कि पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। श्री कुशवाहा ने पटना में कहा कि उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की भाजपा नेताओं से मुलाकात का मतलब ये नहीं है कि वे भी भाजपा के संपर्क में हैं। बीजेपी के किसी नेता से मुलाकात का यह अर्थ निकालना कि हम बीजेपी के संपर्क में हैं, जिस अर्थ में संपर्क की बात की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हमारी पार्टी में जो जितना बड़ा नेता है वह उतना ही ज्यादा संपर्क में है। एक सवाल के जवाब में श्री कुशवाहा ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड कमजोर होती जा रही है और वो पार्टी को मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम जेडीयू में हैं और हमारी चिंता का विषय है कि जेडीयू कमजोर हो रहा है, इसकी मजबूती के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और लगातार यह प्रयास हमारा जारी रहे। G20 की शुरुआती बैठक आज गांधीनगर में हुई। 3 दिन की इस बैठक में जलवायु परिवर्तन, नवाचार, वैश्विक डिजिटलीकरण, सहयोग और वैश्विक मूल्य श्रृंखला पर चर्चा हो रही है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
B20 बैठक के औपचारिक उद्घाटन से पहले G20 प्रतिनिधिमंडल ने आज गांधीनगर में दांडी कुटीर संग्रहालय का दौरा किया और महात्मा गांधी जी की जीवन यात्रा की झलक ली। गांधीनगर पहुंचने पर प्रतिनिधिमंडल का पारंपरिक भारतीय तरीके से स्वागत किया गया। B20 इंडिया परिषद में उद्योग जगत से जुड़े 200 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों सहित लगभग 600 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। G20 प्रतिनिधियों को गुजरात के गरबा, डांगी आदिवासी नृत्य और मिश्र राज जैसे पारंपरिक नृत्य रूपों का अनुभव कराने आज महात्मा मंदिर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके बाद भूपेंद्र पटेल द्वारा G20 प्रतिनिधियों के लिए रात्रि भोजन का आयोजन किया गया है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। ये समाचार हमारे आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने के लिए देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ के विचारों की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे लोगों, विशेषकर युवाओं को मदद मिलेगी। हाल ही में एक समारोह में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा था कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठा रही है। भारतीय निर्वाचन आयोग नई दिल्ली में प्रौद्योगिकी का उपयोग और चुनाव शुचिता पर कल दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। निर्वाचन आयोग ने इस विषय पर पहला सम्मेलन दिसंबर 2021 में आयोजित किया था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने नई दिल्ली में बैठक की और स्थिति का जायजा लिया। ये बैठक पिछले 24 वर्षों में वायु गुणवत्ता सूचकांक के गंभीर श्रेणी में आने के मद्देनजर आयोजित की गई है। केरल की 15वीं विधानसभा का 8वां सत्र कल राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के संबोधन के साथ शुरू होगा। राज्य के वित्त मंत्री KN बालगोपाल 3 फरवरी को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का बजट पेश करेंगे। विधानसभा सत्र 30 मार्च को समाप्त होगा। इसमें कुल 33 बैठक होंगी। सूचना और प्रसारण तथा खेल और युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि एक जांच समिति भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के विरुद्ध यौन प्रताड़ना के आरोपों की जांच करेगी। श्री ठाकुर ने आज कोलकाता में स्वामी विवेकानंद के पैतृक आवास में कहा कि इस संबंध में खिलाड़ियों के सभी आरोपों को सुना गया है। भारतीय कुश्ती संघ के खिलाफ जो भी आरोप लगे उसको सरकार ने बड़े धैर्य के साथ सभी पहलवानों को सुना, प्लेयर्स को सुना और बड़ी गंभीरता के साथ उस पर विचार करते हुए ओवरसाइट कमेटी का गठन किया है। जो एडिशनल सेक्रेटरी थे विनोद तोमर, उनको भी निष्कासित किया गया है और ओवरसाइट कमेटी का आज आपको जानकारी भी मिल जाएगी, उसके नाम भी मिल जाएंगे और कल से वो अपना काम पे भी शुरू हो जाएंगे ताकि जांच हो सके, निष्पक्ष जांच हो सके। और हमारे लिए खेल खिलाड़ी ये बहुत महत्वपूर्ण है। देश ने खेलों के क्षेत्र में बहुत अच्छा करना शुरू किया है और हम चाहते हैं आगे भी अच्छा हो। खेल मंत्री ने कथित कुशासन के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि हिंसक वातावरण से विकास प्रभावित होता है, जिसका असर निवेश और रोजगार के अवसरों पर पड़ता है। थाईलैंड के कुनलावुत विदर्सन ने इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। नई दिल्ली में फाइनल में विदर्सन ने शीर्ष वरीयता प्राप्त डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसन को 22-20, 10-21, 21-12 से पराजित किया। महिला सिंगल्स का खिताब दक्षिण कोरिया की आन सी यंग ने जीता। उन्होंने फाइनल में जापान की अकाने यामागुशी को 15-21, 21-16, 21-12 से हराया। ओडिशा में हॉकी विश्वकप में भारत और न्यूजीलैंड के बीच क्रॉसओवर मैच का निर्णय सडन डेथ के आधार पर हुआ है। निर्धारित समय तक दोनों टीम 3-3 की बराबरी पर थीं। इससे पहले स्पेन ने मलेशिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। निर्धारित समय तक दोनों टीम 2-2 गोल की बराबरी पर थीं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर कल अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर करेंगे। गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल कल नई दिल्ली में होगी। प्रधानमंत्री ने पुलिस बल को अधिक संवेदनशील बनाने और नई तकनीकों का प्रशिक्षण देने का सुझाव दिया। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के अंतर्गत सिंगरौली में 25,000 से अधिक परिवारों को निःशुल्क भूखंड दिए गए। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में थाईलैंड के कुनलावुत विदर्सन ने पुरुष सिंगल्स और कोरिया की आन सियोंग ने महिला सिंगल्स का खिताब जीता। और हॉकी विश्वकप में भुवनेश्वर में न्यूजीलैंड और भारत का मैच जारी। मलेशिया को 4-2 से हराकर स्पेन भी क्वार्टर फाइनल में।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।